नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, जो हमने सूचना मिली है ऑलमोस्ट इलेक्शन के बाद, आपके जो ये ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है 1900 प्लस पोस्ट कहा जा रहा है कि अध्याचन मांगा गया है, और ये शायद इतने हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1800 या से 2000 के बीच में ही पोस्ट रहेगा। तो मार्च के लास्ट तक इसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसके बाद से आपको 20-25 दिन का समय मिलेगा, और उसके बाद से आपको मिनिमम का 2 महीना आपको मिलेगा, उसके बाद ये इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनटीए कराएगी और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगा, फॉर्म फिलिंग डेट कब से कब तक रहेगा, और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एनटीए करा रही है और ऑनलाइन मोड में होगा। तो प्रीवियस जो आपके पैटर्न और सिलेबस थे उसको मैं बता दूंगा कि आपके ये चीज़ें थी, तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही रहेगा, पैटर्न चेंज हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले जितने लोग भी चैनल पर नए हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टीम इसके लिए जल्द से जल्द कोर्स भी लॉन्च कर दें, क्योंकि एक समय नहीं मिलता है आप लोगों को तैयारी करने के लिए। तो आप अगर पहले से जुड़ते हैं तो आपको प्रॉपर जो है प्रिपरेशन हो सकता है, 2.5 से 3 महीने 4 महीने तक आपका समय मिल जाएगा। अगर जितना अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे, फिर सोचोगे कि नहीं फॉर्म फिल कर लें उसके बाद से हम बैचेस ज्वाइन करें, तो फिर आपके समय जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, खासकर इलाहाबाद की वैकेंसी में, क्योंकि बहुत रफ्तार से चलती है। अब देख लेते हैं इसके फॉर्म फिल के कब तक आने के चांसेस हैं। तो जो सूचना मिली है उसके कगार पे तो ये कहा जा सकता है कि मार्च, ठीक है, मार्च के लास्ट वीक में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे मार्च के लास्ट वीक में, और मोस्ट 20 दिन आपको चलेगा। 20 दिन के बाद आपको 2 महीने में अगर एनटीए खाली रहती तो आपका एग्ज़ाम करा लेगी, इतना जानिए, 2 महीने से ज़्यादा नहीं समय देने वाली है। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आएगी, उसका ग्रेड पे क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, उसके बारे में जान लीजिए। तो सी में जो कैटेगरी सी है, ग्रुप सी और डी दोनों आने वाली है, तो उसमें जो आपकी सी है उसमें आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd की पोस्ट होगी, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी, मतलब डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफी का, ठीक है, विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशू बाई डोएक सोसाइटी। आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके समकक्ष को याहरता होना चाहिए, अगर समकक्ष लिखता है तो, पिछली बार ट्रिपल सी मांगा था। तो जो लोग ट्रिपल सी नहीं किए हो तो एटलीस्ट अभी इस मंथ वाला जो चल रहा है उसे फॉर्म भर दो, ताकि आप ट्रिपल सी कर लो, फॉर्म के लास्ट डेट तक आपका कंप्लीट हो जाए। तो ट्रिपल सी तो मांगेगा ही, जो लोग इस मूड में हो कि नहीं हम इक्विवेलेंट डिग्री लेके बैठे हैं, कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है तो भैया क्या जाता है, अभी तो आया नहीं नोटिफिकेशन, आप ट्रिपल सी का फॉर्म डाल लो। मान लो खाली ट्रिपल सी ही लिया तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए ट्रिपल सी कर लो जो लोग नहीं किए हैं। 18 से लेकर 40 साल तक एज इसमें है, बाकी जो रिलैक्सेशन है ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का वो तो मिलेगा, ठीक है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की मिलती है, तो वो रिलैक्सेशन आपको एज में मिलेगा। पे स्केल जो है 5200 से लेकर 20200 तक का है, ग्रेड पे जो है इसकी 2800 ग्रेड पे की जॉब है ये, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरी पोस्ट है इसी में सी में ही, ग्रुप सी में आपका, उसमें 2 पोस्ट आते हैं, जूनियर असिस्टेंट वाला, ठीक है, और एक आता है पेड अप्रेंटिस। तो इसमें देख लें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन दोनों के लिए क्या चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए विथ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशू बाय डोएक सोसाइटी, और 25 से 30 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग चाहिए आपको, कंप्यूटर वर्ड पर मिनट, इंग्लिश आ रहा है तो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग मांगता है, किसके लिए, इन जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए मांगता है। 12th पास होना चाहिए आपके पास ट्रिपल सी या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ट्रिपल सी में ओ लेवल वाले भी आ जाते हैं, इक्विवेलेंट जो हाई कोर्ट लेता है वो लेवल के इक्विवेलेंट ट्रिपल सी को भी मानता है उसने, तो वो सब इक्विवेलेंट अगर लेता है तो वो चलेगा। 12th में अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तभी भी आप चलोगे, ठीक है। उसके बाद से एज भी इसकी भी 18 से 40 है, पे स्केल 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे है, एक 2000 की है ये असिस्टेंट वाली, 2000 ग्रेड पे की जॉब है, और ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। तो ये हो गई सी में। अब उसके बाद से सी में एक लास्ट आपका आता है ड्राइवर्स वाला, ठीक है, ड्राइवर कैटेगरी सी ग्रेड की 4th है, ग्रेड 4th की। तो
तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल चाहिए अलोंग विद द ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए टू ड्राइव ए फोर व्हीलर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 3 साल. ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक आप 4 व्हीलर चलाए हो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए. ये भी सी के कैटेगरी में ही आएगा. 5200 से 20200 तक इसका पे स्केल है. ग्रेड पे ये भी 1900 का है. ठीक है, तो स्टेनोग्राफर वाले जो हैं वो तो स्टेनोग्राफर वाले एकदम तैयारी शुरू कर दो, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है. बाकी जूनियर असिस्टेंट में भी जो 2000 ग्रेड पे की है उसमें आप लोग जनरली जो टाइपिंग जानते हैं उनके लिए वो जॉब अच्छी होगी. ठीक है, उसके बाद से डी कैटेगरी स्टार्ट होती है. ग्रुप डी में कौन कौन से आएगा, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन वाला आएगा. इसके लिए जूनियर हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब 8वीं पास. जूनियर हाई स्कूल किसको बोलते हैं, 8वीं को बोलते हैं. उसके साथ अगर आप ITI किए हैं जो डेफिनेट ट्रेड है तो आपको कंसीडर किया जाएगा. 18 से 40 इसमें भी है और ये 1800 ग्रेड पे की जॉब है और पे स्केल आपका वही है सेम. नेक्स्ट है ग्रुप डी में दूसरा जो पोस्ट है वो प्रोसेसर सर्वर है. मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका प्रोसेसर सर्वर का मस्ट है, हाई स्कूल पास होना चाहिए, एज 18 से 40 होनी चाहिए और ग्रेड पे 1800 की ये जॉब है. ये दूसरी पोस्ट है जो आपके ग्रुप डी में आएगी. तीसरी पोस्ट है जो आपकी पियोन, ऑफिस पियोन, ठीक है, इन सब की जो वो है. इसके लिए जूनियर हाई स्कूल मतलब 8 पास होना चाहिए, 18 से 40, ग्रेड पे 1800 की है ये. ठीक, तो ये ग्रुप डी के हैं. अब इसमें भी रिटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं, सी में भी होता है, डी में भी होता है, दोनों का पेपर अलग अलग होगा. ठीक है, दोनों का स्तर भी अलग अलग होगा. अब यहाँ पे है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, इन सब के लिए आपका जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए 18 से 40 साल, ग्रेड पे 1800 क्या है. उसके बाद से स्वीपर वाला होगा तो इसके लिए फिक्स 6000 रुपया रखा गया है. ठीक है, इसका कोई ग्रेड पे नहीं है. मिनिमम क्वालिफिकेशन 6 पास होना चाहिए. ठीक है, कक्षा 6वीं पास है स्वीपर के लिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये पोस्ट हैं आपके इतने जो आपके आने की संभावना है. टोटल 1900 से ऊपर पोस्ट आएगी ये कंफर्म है. उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा. तो ग्रुप सी और डी में रिटेन एग्जाम होगा, सी में भी आपका रिटेन एग्जाम होगा. तो सी में जो आपका पहले रिटेन एग्जाम होगा MCQ में होगा, CBT मोड होने के चांस है क्योंकि इस बार NTA आपके हाई कोर्ट के हर एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं जैसे RO को देखा जाए. ठीक है, और ये भी चांसेस है कि आपके जो सेकेंड स्टेज एग्जाम है वो भी साथ ही साथ हो जाए जैसे इसमें हुआ था. ठीक है, तो इसीलिए दोनों की तैयारी, अगर आप टाइपिंग आपकी अच्छी नहीं है तो टाइपिंग अच्छी करो, इंग्लिश हिंदी कोई भी एक, और स्टेनोग्राफर के लिए आप प्रिपेयर हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की स्टेनोग्राफी की वैकेंसी आती है, 80 और 100 वर्ड मांगता है, तो आप लोग उसे इनहेंस करो अपने स्किल को. पेपर का मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. अभी देखते हैं अगले वाले में क्या होता है, होती है कि नहीं होती है. टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस आते थे, 100 मार्क्स के होते थे, ये ध्यान रखना. 25-25 सभी सेक्शन से होते थे, 25 मैथ्स होता था आपका. ठीक है, तो जो सेक्शंस होते थे, अब हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए. ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो जाए क्योंकि ये पुराना पैटर्न है जब ये ऑफलाइन होता था, लेकिन जब NTA इसको कराएगी तो वो कहीं ना कहीं बदलेगी. सिलेबस आपका सेम रहेगा. ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट हर एग्जाम का सेम ही होता है. अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, चाहे हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो ऑलमोस्ट वही आएगा, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, यही सब पढ़ना होगा. तो जाहिर सी बात है सिलेबस सेम रहेगा, पैटर्न चेंज होंगे. ठीक है, तो पहले यह था कि हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स, इन सब के 25-25 क्वेश्चन होते थे. 4 सेक्शन है, 25 100 के 100 हो जाता था. 90 मिनट का टाइम दिया जाता था आपको, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता था. लेकिन अभी चेंज हो सकता है, ये पुराना पैटर्न है, NTA इसमें बदलाव कर सकती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकती है, टाइम बढ़ा सकता है, नेगेटिव मार्किंग भी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है. ठीक है, लेकिन आपका हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स के जो एक तरह से बोला जाए सिलेबस है कि आपको विलोम, परिवाची, ये सब पढ़ना है, इंग्लिश में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, तो भाई पढ़ना ही है, पढ़ना है. वोकैब्स पढ़ना है तो पढ़ना है. जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो पढ़ना है पढ़ना है, तो वो आपका सेम रहेगा. ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं देगा. मैथमेटिक्स यहाँ पे इंक्लूड है, रीजनिंग नहीं, मैथमेटिक्स आता है तो मैथमेटिक्स जरूर जाएगा आपके सिलेबस में, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है. उसके बाद से सेकेंड स्टेज जो होगा वो आपका टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए, जो ड्राइवर पोस्ट है ग्रुप सी में,
उसके लिए आपकी सेकेंड स्टेज जो होगी वो ड्राइविंग टेस्ट होता है, टेक्निकली ड्राइविंग टेस्ट। इसमें दो स्टेज होता है, टेस्ट वन जो होता है वो साइन आपको जो रोड पे साइन होते हैं वो सब देके पहचान करने के लिए दिया जाएगा, दूसरा आपका आपसे ड्राइविंग कराया जाएगा। ठीक है, इन दोनों में अगर आप पास हो जाते हो, ठीक, क्वालिफाई कर मेन होता है, क्वालिफाई हो जाते हो तो आपके जो पहला पेपर आपने रिटन वाला दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और आपको जॉब जो है अलॉट हो जाएगा, तीन गुना बुलाया जाएगा ये इसके लिए, ड्राइविंग टेस्ट स्टेज टू के लिए तीन गुना बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्ट करके, पहले रिटन एग्जाम से, सीबीटी मोड से रिटन एग्जाम से तीन गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और जो इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है, तो स्टेनोग्राफी वाली जो पोस्ट है इंग्लिश हिंदी के लिए, तो उसमें स्टेनोग्राफर भी मांगेगा और टाइपिंग भी मांगेगा, उनको दोनों देना होगा, उनको टाइपिंग भी देना होगा और क्या देना पड़ेगा आपका स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट है इनमें खाली आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा जो 10 मिनट का होगा, मंगल फॉन्ट में आपको टाइप करना होगा। हो सकता है नई एजेंसी आ रही है कुछ इसमें बदलाव करे, लेकिन अभी तक यही चल रहा है, तो हमें यह कंसीडर करना पड़ेगा, आप एटलीस्ट इस पर अपने स्किल पर काम करो, मेरे कहने का मतलब यह है। ठीक है, जो 25 मार्क्स का होगा, तो ये मार्क भी होता है इसमें, आपको नंबर जितना अच्छा उठा सको, जैसे यहां पे देखे थे कि अभी जो आपका 50 मार्क्स का था एआरओ में टाइपिंग, वैसे 300 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा, 10 मिनट में टाइप करना होगा, ये भी 25 मार्क्स का होगा, और 30 वर्ड आपका क्या होना चाहिए तभी तो पूरा 300 वर्ड कर पाओगे। ठीक है, 10 मिनट का टाइम होगा, 30 वर्ड पर मिनट आपकी इसमें स्पीड होनी चाहिए और इसमें 25 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी आनी चाहिए। ठीक है, काफी टेस्ट आएगा इसमें, 400 वर्ड का पैसेज होगा अगर आप हिंदी में हो, ठीक है, तो 80 वर्ड पर मिनट में आपको क्या लिखना होगा, क्योंकि 5 मिनट में आपको डिक्टेटर जो होगा डिक्टेट करेगा पूरा का पूरा शॉर्ट हैंड, आप 5 मिनट में 400 वर्ड को अपने कोड भाषा में लिखोगे। उसके बाद से आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 30 मिनट में आपको पूरे 400 वर्ड जो आपने डिक्टेट में कोड में लिखा है उसको टाइप करना है, किसके इतने स्पीड से, 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से हिंदी की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 30 मिनट में। उसके बाद से अगर आप इंग्लिश की स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो तो वहां 500 वर्ड का आपको पैसेज डिटेक्ट किया जाएगा 5 ही मिनट में, तो वहां 100 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए कोड करने के लिए आपकी स्टेनोग्राफी के इंग्लिश वालों के लिए। फिर आपको 30 ही मिनट मिलेगा और आपको पूरा का पूरा पैसेज जो होगा जो डिक्टेट करके आप कोड में लिखे हो हूबहू वैसे ही उतारना होगा जैसे आपको डिक्टेट किया गया था, तो वो 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से फिर इंग्लिश में आप टाइप करके दोगे। ये दोनों टेस्ट इंग्लिश और हिंदी का जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, जो भी आप फॉर्म फिल करते समय जो जिस पोस्ट के लिए डालोगे तो उसका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो कोई एक ही जो है दोनों, तो जिसको दोनों आता होगा भाई वो दोनों पोस्ट के लिए डालेगा, जिसको सिंगल सिंगल लैंग्वेज का आता होगा तो हिंदी लैंग्वेज के लिए अगर डाला है तो वो हिंदी के स्टेनोग्राफी करेगा प्लस टाइपिंग करेगा। वो है इस मार्क्स में हो सकता है कि एनटीए रिवाइज करे कुछ चीजें, तो उसके लिए हम देख लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। तो ये जनरली आपके पूरा का पूरा क्या क्या होगा, किस स्टेज में, इसके बाद से आपको अलॉट कर दिया जाएगा, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, इतने स्टेजेस से आपको गुजरना है। तो जो ये सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज वाला प्रोसीजर है, ये हो सकता है कि आपका क्या हो जाए उसी दिन एग्जाम के दिन ही एनटीए कंडक्ट करा ले, जैसे हाईकोर्ट आर ओ आर ओ वाले पोस्ट में कराई है। और दोनों का एग्जाम जितने भी आपके पोस्ट हैं, ये आपके सी के लिए मैंने बता दिया, ग्रुप डी के लिए कोई भी सेकेंड स्टेजेस नहीं होंगे। ठीक है, उसमें आपका अलग से रिटेन टेस्ट होगा, उसका भी होगा। ठीक है, उसका भी जो पिछला पेपर हुआ है वो भी 100 क्वेश्चन का हुआ है और सेम चीजें थी, उसमें भी हिंदी था, ठीक है, इंग्लिश था, मैथ था और जनरल स्टडीज था, 25-25 पोर्शन उसमें भी था। ठीक है, हो सकता है उसमें चेंजेस हो जाए तो उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके कोई सेकेंड स्टेज नहीं है। ठीक, तो यहां पर जो आपके ग्रुप सी के पोस्ट हैं उनके लिए है कि आप भाई दोनों की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप अपने स्किल को भी इनहेंस करो और आपके रिटन टेस्ट को भी इनहेंस करो। इसके लिए टीम जल्द ही आप लोग के लिए कोर्स लेकर आएगी और आप लोग कोर्स के बारे में, ताकि आपको सूचना मिल जाए उसके लिए परीक्षा प्लस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, t.me.parikshaplus परीक्षा प्लस ग्रुप करके है और चैनल भी है, आप सर्च मार सकते हो टेलीग्राम पे, उससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप परीक्षा प्लस गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप जो है वो आप
डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां पर जैसे ही कोर्स एक्टिवेट होगा, चांसेस हैं कि 2 से 3 दिनों में कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो वहां से इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी हो एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में निर्धारित कर सकते हैं। तो जो भी अगर समस्या आपको हो रही है इसके बारे में, और भी कुछ आपको पूछना है, ठीक है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके मन में आ रही हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, और इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर पे फोन या व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी जानकारी इस पोस्ट के लिए ले सकते हैं। तो अगर आप इन सब का स्किल रखते हो और उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहते हो और जल्दी जॉब पाना चाहते हो, क्योंकि हाई कोर्ट का आर ओ आर ओ का जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही इलेक्शंस का ये बवाला आपका खत्म होगा और तुरंत ही इधर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो समझ सकते हो कि कितना जल्दी हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो होते हैं। तो अगर आपको जल्दी कोई जॉब पानी है, सेटल होना है, तो इसके तैयारी में आज ही से जुड़ जाइए। अगर कोई समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का धन्यवाद।